हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इडली की रेसिपी, जो काफी ज्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। ट्राई जरूर कीजिएगा, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होती है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कटोरी उड़द की दाल, जो कि धुली हुई दाल होती है, बिना छिलके के और कटी हुई होती है वो वाली दाल। इसके साथ ही हम ले लेंगे 4 कटोरी चावल। यहाँ पे मैंने मोटे वाले चावलों का यूज़ किया है, यानी कि मैं यहाँ पर इडली वाले चावल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इडली वाले चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई से भी मोटे हुए चावल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में इजिली काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं आसानी से। तो इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, चावल को भी और दाल को भी। चावल और दाल में थोड़ा थोड़ा पानी ज्यादा लगा लेते हैं और 5 घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए रख देते हैं। 5 घंटे बाद देखिए हमारे चावल काफी फूल गए हैं और दाल भी काफी अच्छी मोटी हो गई है। अब हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे मैं एक जार में ले रही हूँ चावल, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मेथी दाना, जिसको मैंने 20 मिनट पहले गर्म पानी में भिगोने रख दिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पीसकर तैयार कर लेंगे दाल और चावल दोनों को। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल पतला बैटर बना के तैयार कर लिया है दाल चावल का। अब हम इसको 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी इडली बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 12 घंटे हो गए और देखिए काफी अच्छा है, फर्मेंट होके तैयार हुआ है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ दाल और चावल को मेथी के साथ पेस्ट बना के यहाँ पे रख दिया था 12 घंटे के लिए। और गर्मियों का मौसम है तो 12 घंटे में एकदम परफेक्ट ये देखिए बनकर तैयार हो गया। अगर सर्दियों का मौसम हो तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। जो इसके सांचे होते हैं इडली के, उसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1.5 छोटी चम्मच चीनी। तीनों चीजों को बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इससे हमारी बहुत ही अच्छी इडली बनके तैयार होंगी। बाकी बैटर को भी हम ऐसे ही रहने देंगे, उसमें हम बाकी की चीजें बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इनसे इडली बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले इडली स्टैंड में पानी गर्म करने रख दिया है। पानी ज्यादा ना भरे, काफी कम पानी होना चाहिए और फ्लेम हाई कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इडली को फिल ना करें, क्योंकि फुलकर काफी अच्छी तैयार हो जाती है। इस तरह इसके सभी सांचों में हम इडली भर के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी इडलियां लगकर एकदम तैयार है, जो हमने पानी गर्म करने रखा था, अब हम उसमें इसको रख लेते हैं। पानी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा पानी ना रखिएगा नीचे। अब हम इसको कवर करके रख लेंगे 15 मिनट के लिए। तो ये लीजिए 15 मिनट हो गए हैं, चेक कर लिया मैंने इसको ऑलरेडी एक बार और चेक कर लेते हैं। ये एकदम क्लीन होना चाहिए नाइफ चाकू, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इडली एकदम परफेक्ट पक्के तैयार है। तो 15 मिनट बाद ये एकदम बढ़िया बनके तैयार है। आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट हाई फ्लेम में पकाया था और 5 मिनट लो फ्लेम में। तो इसको देखिए हम स्पून से निकालेंगे, बहुत ही इजीली ये निकल के बाहर आ जाती है। ये देखिए अभी जबकि इडली गर्म है, मैंने बहुत ज्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं किया, इसको एकदम गर्म इडली है, उसके बाद भी देखिए काफी इजिली निकल जा रही है। इसलिए हमेशा जब भी आप इडली का सांचा लें, उसमें तेल जरूर लगा लीजिएगा, उससे काफी इजिली इडली निकल आती है। ये देखिए काफी आराम से निकल आती है, बहुत ही अच्छी हमारी इडली बनके तैयार हुई है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो हमारा बाकी का बैटर है ना, जो हमने फॉर्मेट के लिए छोड़ा था, ये देखिए काफी अच्छा और फॉर्मेट है नीचे से। तो इसमें भी मिला लेते हैं नमक, चीनी और बेकिंग सोडा, तीनों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इनकी भी इडलियां बना के तैयार कर लेंगे। ये वाली इडलियां भी वैसे ही बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी। तो ये हमारी इडली सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। मैंने आप इसको दाल की चटनी और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको सांभर के साथ सर्व कीजिए या किसी के भी साथ, और इसका मजा लीजिए। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी स्पॉन्जी ये बनी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो मैं आपको एक और यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा कितनी अच्छी है। थैंक यू।